वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं स्टोर्ड क्रॉसर स्क्रिप्टिंग। इस वाले लैब को एंड तक देखते रहना। स्टोर्ड क्रॉसर स्क्रिप्टिंग अगर डिटेल में रियल लाइफ मॉड्यूल वेबसाइट के ऊपर जाना चाहते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज दिस एपिसोड और ये वीडियो है स्टोर्ड क्रॉसर स्क्रिप्टिंग के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लोर। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। तो एप्लीकेशन का नाम है इंटरमार्ट। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर एक हेल्प डेस्क है और ये हेल्प डेस्क अपने कस्टमर के साथ बात करने के लिए छोटा सा नीचे नहीं होता, एआई वाला बॉट होता है। अगर आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, वो नीचे से साउंड भी बजता है, पुचुक करके ऊपर आता है, फिर आप बात कर सकते हो। तो वही है। अब एलिस भैया आएंगे श्योर, ठीक है। एलिस भैया इस बार नहीं आए। तो यहाँ पर एक बग बाउंडी प्रोग्राम है इनका और बग बाउंडी प्रोग्राम करना है, ठीक है। इस बार इन लोगों ने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। अब हम पहुंच गए ये वाले डोमेन के ऊपर, ठीक है। ये सब डोमेन आपने फाइंड करा होगा और ये सब डोमेन पे गए, आपने इस तरीके का हेल्प डेस्क देखा। कई बार क्या करते हैं हम लोग, ऐसा अगर हेल्प वाला सब डोमेन दिखता है तो हम उसको विजिट नहीं करते, हमको लगता है कि क्या होगा इसके ऊपर, लेकिन विजिट करना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो बॉब नोटिस दैट द इंटरनेट हेल्प डेस्क पोर्टल इज पावर्ड बाय इश्यू सिंक सर्विस डेस्क। ये सब हमको नहीं जानना है। सॉफ्टवेयर एंड रनिंग अ वर्जन दैट कंटेन्स अ जीरो डेज स्टोर्ड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी। हाँ ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कई बार अगर आप लोगों को कहीं पर इस तरीके का वर्जन का नाम दिखता है तो आप इसको जाकर गूगल पे सर्च करो उसके ऊपर अगर कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती होगी लाइव अभी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो सर्वर है ना वो इस वल्नरेबिलिटी के लिए एक्सप्लॉइटेबल है, तो फिर वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़े टाइम पहले, आप मेरी वीडियोज को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन अब आगे रे बैक करते हैं, मैंने पढ़ा नहीं ना आगे। हाउएवर द सक्सेसफुल एक्सपर्ट जीरो डे वल्नरेबिलिटी बॉब नीड्स टू कॉन्फिगर अ रिमोट वेब सर्वर दैट लिसन्स ऑन पोर्ट 80 एंड कैन बी एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। अब ये क्रूशियल स्टेप है, ये आपको पता होना चाहिए कि कई बार कुछ वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि स्टोर्ड क्रॉसर स्क्रिप्टिंग आपको तुरंत कोई पॉपअप नहीं देती है, मतलब स्टोर क्रॉसर स्क्रिप्टिंग अगर आपने पेलोड डाला तो तुरंत आपको जैसे नॉर्मल क्रॉसर स्क्रिप्टिंग में होता है आपको पॉपअप नहीं दिखेगा अलर्ट का, वो स्टोर होती है, वो आज से कल को भी हो सकती है वो एग्जीक्यूट, एक साल तो नहीं लेकिन एक महीने के बाद भी एग्जीक्यूट हो सकती है। तो आपके पास सर्वर होना चाहिए जो सुनता रहे कंटिन्यूसली, कि जब भी एग्जीक्यूट हो तो आपको पता चल जाएगी हाँ ये अभी एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ही आप रिपोर्ट कर पाओगे। लेकिन लेकिन वर्ड मैंने क्यों यूज किया पता नहीं, क्योंकि पीओसी अगर बनाना है तो पीओसी में दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ ये एक्सप्लॉइटेबल है और ये एक्सप्लॉइट हुई। तो एक्सप्लॉइट होने के लिए आपके पास सर्वर चाहिए, तो भी आपको सर्वर सेटअप करना है। तो हमने सर्वर सेटअप कर लिया, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। ये सब आप कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर यहाँ पर खुल गया। अब सबमिट करते हैं इश्यू, ये जो हमको स्टेप करना है ये स्टेप करते हैं। जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कहीं पर भी अगर पैरामीटर मिलता है तो वहां पर आप लोगों को पेलोड डाल देना है। तो हमने पेलोड डाल दिया, सबमिट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर इश्यू सबमिटेड सक्सेसफुली, अब नॉर्मल हो गया, कोई अलर्ट आया नहीं, कोई पॉपअप आया नहीं, पता कैसे चलेगा। लेकिन आपने जो पेलोड डाला था ना वो पेलोड कहीं ना कहीं पर एग्जीक्यूट हुआ होगा, वो पता करने के लिए आपको सर्वर पर जाना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट सबमिटेड बाय द बॉब इज द प्रीवियस स्टेप इनिशियलाइज एन इमेज ऑब्जेक्ट विद इट एसआरसी एट्रीब्यूट सेट टू बीबोट। ओके, तो अगर मैं आपको पीछे फिर से ले जाता हूँ, एक चीज बताना भूल गया, फिर से करता हूँ ये सब कुछ। और अगर आप देखोगे इस इमेज सोर्स के अंदर ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल बॉब के सर्वर का है, जो सर्वर आपने स्टार्ट किया। तो ये अगर सर्वर पर स्टोर हो रहा है कहीं पर तो आप उसको सुन पाओगे। कहाँ पर सुन पाओगे? आपके सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो हम करते हैं ये जो बोल रहे हैं वो, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ होने दो, ठीक है। ये नॉर्मल आप नॉर्मल कर रहे हो सब कुछ। अपॉन लॉगिन इनटू द इश्यूसिंग पोर्टल एलिस फाइंड अ न्यू इश्यू टिकट एंड डायलॉग प्रोजेक्ट एरर। तो ये हमने जो किया था ना वो, ठीक है, ये जो हमने किया था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब आपको कॉन्सल में जाना है और कॉन्सल में जाकर हैविंग रिपीट द टिकट क्यू एलिस डिसाइडेड टू गो अहेड एंड एक्सेस बॉब्स प्रोजेक्ट सपोर्ट टिकट। तो अब इसके ऊपर आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पेलोड था वो काम कर गया और आपको यहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो मिल गया। समझ गए क्या हुआ, आपने यहाँ पर जो पेलोड डाला था वो पेलोड आगे चलकर कहीं पर एग्जीक्यूट हुआ और वो यहां पर आपको दिखा। इसे कहते हैं स्टोर्ड एक्सेस। ये कहां पर हो सकता है? फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की बात करते हैं। इंस्टाग्राम में मान लो बायो, आपका बायो जो होता है उस बायो के अंदर आपने पेलोड डाला, वो पेलोड डालने के बाद बायो के अंदर आपने लिंक डाल दी। अब वो लिंक डालने के बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया, बायो सेव हो गया। कोई और आकर उस बायो को देखेगा, उस बायो के ऊपर के लिंक को क्लिक करेगा, तो इस तरीके का कुछ हो सकता है स्टोर्ड एक्सेस। समझ गए?
अच्छा एग्जांपल नहीं दिया यार मैंने इंस्टाग्राम का, लेकिन कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये होता है स्टोर्ड क्रॉस स्क्रिप्टिंग, इस तरीके से स्टोर्ड क्रॉस स्क्रिप्टिंग को करा जाता है। एनालाइज करने की जरूरत नहीं, अभी आप लोग कर लेना, ठीक है। मैंने ये मेरे को पता है इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। लैब को जाकर जब खुद सॉल्व करोगे तब ये सब कुछ कर लेना। मिटिगेशन में दे रखा है, ये सब कुछ चेकिंग को मिलेगा आप लोगों को। सो दैट इज इट, ये था स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगला कौन सा लैब करने वाले वो हम देख लेते हैं। अगला लैब हम करेंगे फोर्स्ड ब्राउजिंग। ये शायद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे लैब बाकी है यार, इतना सब कुछ कर देते हैं। चलो करते हैं वो, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।